A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 business studies. So in the last class we have discussed about the demonetization of your chapter 3 LPG, liberalization, privatization and globalization. Sorry. So in today's class again we are going to discuss about the chapter 4, that is poverty. So we have already discussed the what is, how we identify the poor, what is poverty, measures of the poverty, absolute poverty, relative poverty, as well as how the poor people identified, number of poor in India. We have already discussed all these topic. In today's class we are going to discuss about the topic, that is causes of poverty. So what are the different causes of the poverty? Okay, so let's get started. Causes of poverty. मतलब इसमें यही है कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी होती है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कह रहा है कि द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द इंस्टीट्यूशनल एंड द सोशल फैक्टर दैट मार्क द लाइफ ऑफ द पुअर. कि जो पॉवर्टी है, कॉजेज पॉवर्टी के, वो कहाँ पे बेसिकली होते हैं? कोई भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर और दी जो भी सोशल फैक्टर्स हैं. द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन. जो पुअर होते हैं वो डिप्राइव्ड होते हैं, मतलब उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है. एंड अनेबल टू एक्वायर स्किल्स विच फेच बेटर इनकम. और वो अनेबल होते हैं कि उनके पास कोई भी एक बेटर स्किल हो जिसकी वजह से उनके पास क्या है कि बेटर इनकम नहीं होती. क्योंकि कोई भी अगर इनकम जनरेट करना है, जैसे आप भी अगर जाते हो इनकम जनरेट करना है, कहीं पे आप एम्प्लॉयड होते हो, तो आपको एक प्रॉपर स्किल चाहिए. क्योंकि वो आपको पूछेगा कि आप क्या, मतलब क्या किए हो, आपको आता क्या है. तो अगर ये कोई स्किल नहीं है देन नोबडी इज एबल टू हैव अ इनकम और दी जॉब. सो ऑल्सो एक्सेस टू हेल्थ केयर इज डिनाइड टू दी पुअर. और ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो भी क्या होती है, डिनाइड हो जाती है किसी भी पीपल को जो पुअर है. सो द मेन विक्टिम ऑफ द कास्ट, इसका जो मेन विक्टिम है किसकी वजह से होता है, तो हम आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जो फोर वो है उनमें क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. एंड रिलीजियस एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आर पुअर. और बहुत सारे रिलीजियस भी हैं, अलग अलग हम लोग रिलीजन में भी बटे हैं, उनके बीच में भी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है. और अदर सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो पुअर हैं वो और उनकी जो जनरेशन है या उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है. सो दीज कैन बी कॉज एज अ रिजल्ट ऑफ, जिसका ये किसकी वजह से, सबसे पहला इसमें है दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी. पहला हो गया आपका सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है, सेकेंड उसका हो गया सोशल एक्सक्लूजन. सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि सोसाइटी से लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. या आप लोग अपने एसएसटी में सब कुछ पढ़े होंगे कि कास्टिसिज्म की वजह से सारे लोगों को सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी ना, कि उन्हें था कि वो वेल से जाके पानी भी नहीं ले सकते, वो कोई टच भी नहीं कर सकते. अगर जो जो नीचे कास्ट वाले हैं वो उधर जाते हैं तो उस रास्ते से भी कोई नहीं जाता है. ये सारी क्या है, ये डिफरेंस किया गया था जिसकी वजह से ये सोशल एक्सक्लूजन की बात करती है. सोसाइटी में हम इंक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी से इनको एक्सक्लूड कर देते हैं. तो सेकेंड हो गया आपका दैट इज सोशल एक्सक्लूजन. थर्ड है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे ज्यादा है, मतलब इसका बहुत बड़ा कॉजेज है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन इज दैट इज इनडेटनेस. इनडेटनेस का मतलब वही है कि जो हम लोग ने पढ़ा था कि डेट ट्रैप में, जैसे पुअर होते हैं वो क्या है, वो कहीं से लोन या डेट को बोरो करते हैं, पैसा लेते हैं. बट वो क्या होते हैं, वो एबल नहीं होते कि उस फंड को, उस मनी को वो वापस पे कर सके. फिर वो उसको पे करने के लिए क्या करेंगे, देन अगेन वो लोन लेंगे. फिर उस
ऐसे करते करते वो बार बार उसी ट्रैप में फंसते जाते हैं, तो इनडेटनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो डेट को पे नहीं कर पाते हैं। एंड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सबसे ये भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अनइक्वल, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का वो अनइक्वल है। हम ये नहीं कहेंगे कि वेल्थ क्या है, जैसे रिच क्या है वो और ज्यादा रिच होता चला जा रहा है, और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होता चला जा रहा है, बिकॉज ये जो डिफरेंस फाइंड आउट हो रहा है जो वेल्थ को इनकम को देने का, तो ये भी क्या कर देता है, पॉवर्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है, तो कह रहा था मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि जो भी ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था वो इंडियन इकोनॉमी में पड़ा था। और ये आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे वो हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स क्या थे अपनी कंट्री में ले जाके, और अपने क्या थे इम्पोर्ट कर रहे थे, और एक्सपोर्टर हम लोग किसके हो गए थे, फिनिश गुड्स के। तो सबसे पहला इसमें है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ऑन इंडियन इकोनॉमी के इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो देयर वाज अ सब्सटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। यहाँ पे कह रहा है कि जो सब्सटैंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट था किसका, ब्रिटिश रूल का इंडियन इकोनॉमी पे एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल की वो भी क्या हो गई थी, उस पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था। सो पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी क्या थी, जिसमें टू एक पॉलिसी थी जिसमें हम लोग बात करते थे कि हम लोग हमारी कंट्री से जो रॉ मटेरियल्स थे वो क्या कर जाते थे, ब्रिटिशर्स लेके जाते थे और वहाँ ले जाके फिनिश गुड्स प्रिपेयर करते थे, और वो फिनिश गुड्स हमारी कंट्री में ही हमको दे जाते थे। तो इसमें कह रहा है द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड एन इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स लेफ्ट इंडिया इन पॉवर्टी एज आर नेचुरल रिसोर्सेज वॉज प्लंडर्ड। ठीक है, प्लंडर्ड मीन्स रॉब्ड हो जाना, स्टील हो जाना। ठीक है, सो स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल, जो स्टेटस था इंडिया का वो क्या था, एज अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था एंड एन इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, और इम्पोर्ट किसको करते थे, फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते थे लेफ्ट इंडिया इन पॉवर्टी, और इंडिया में क्या थे, जिसकी वजह से पॉवर्टी होगी, क्योंकि वही सारे ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके लोग क्या करते थे, प्रोड्यूस करते, इनकम जनरेट करते, बट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या थे, वर प्लंडर्ड, पूरे स्टोल हो चुके थे। सो अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया क्या कर रही थी, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर रही थी, एंड एज अ रिजल्ट एज मैनी एज 26 मिलियन पीपल डाइड इन फेमाइंस बिटवीन 1875 टू 1900। ठीक है, और क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट करने लगे थे फूड ग्रेन्स को, जिसकी वजह से 26 मिलियन पीपल क्या हो गए थे, वो 1875 से 1900 के बीच में पीपल डेथ कर गए थे, क्योंकि सब कुछ उनके पास कमी हो गई थी, इवन फूड ग्रेन्स भी हमारे यहाँ नहीं था, सब कुछ क्या हो जा रहा था, एक्सपोर्ट हो जा रहा था। सो दिस वन इज फर्स्ट कॉजेज, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड वन इज दैट इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स सिंस इंडिपेंडेंस एंड स्टेट इंडेबटनेस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, सो इनडेटनेस अमंग फार्मर्स इज अनदर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग देम। ठीक है, इनडेटनेस हो गया था अमंग द फार्मर्स की, वही सेम चीज कि वो कंटिन्यूसली लोन ले रहे थे कि वो फर्दर कहीं पे उसको अपने फूड ग्रेन्स को, जो भी उनकी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए और कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, बट वो इतना भी एबल नहीं थे कि वो उसको रीपे कर पाए, तो एक ये भी उनकी प्रॉब्लम थी। एंड देयर इनएबिलिटी टू पे बैक द लोन टेकन फॉर द कल्टीवेशन एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स एज देयर क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्रॉट। ठीक है,
और भी क्या थी वो उनकी इनएबिलिटी किसमें थी कि वो लोन जो ले रहे थे वो पे नहीं कर पा रहे थे एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स, क्योंकि जो भी अपनी डोमेस्टिक नीड्स भी थी वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दी ड्यू टू ड्रॉट, मतलब कभी या तो ड्रॉट आ जा रहा था या तो अदर नेचुरल कैलमिटीज की वजह से वो लोग इतने भी नहीं थे कि अपने जो डोमेस्टिक नीड्स है वो उसको भी फुलफिल कर पाए एंड देन अल्टीमेटली दे कमिट दी सुसाइड, वो फिर सुसाइड को कमिट कर लेते थे। बिकॉज आप भी अभी बहुत दिनों से ऐसे सुनते होंगे कि कोई कोई क्या है, कोई अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई भी फार्मर्स है वो इतना ज़्यादा डेट ले लेते हैं कि वो कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सेम चीज़ ये भी होता है जब दीज ऑल आर ऑल्सो दी कॉजेज ऑफ दी पॉवर्टी, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी फार्मर्स जो थी वो अच्छी नहीं थी और उनकी क्या थी डेटनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, थर्ड वन इज दैट इज हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो पता ही है कि जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन वो बहुत ही ज्यादा थी। सो इसमें कह रहा है दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन हायर देन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द नेशन, जो कंट्री की ग्रोथ रेट थी वो हमेशा ही ज्यादा थी एज कंपेरिजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी नेशन का हो रहा था। ठीक है, मतलब कि हम लोग अगर पॉपुलेशन क्या थी वो ज्यादा स्पीडली इंक्रीज कर रही थी एज कंपेरिजन टू कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। सो दिस लीड्स टू फॉल इन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए होंगे कि अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और ग्रोथ हो नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं होने का मतलब कि प्रोडक्शन कोई भी चीज नहीं हो रहा है, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के साथ ही साथ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स नहीं हो रही थी, मतलब पर कैपिटा हर एक इंडिविजुअल की जो अवेलेबिलिटी थी उनको सारे गुड्स की नहीं हो फुलफिल हो पा रही थी। ठीक है, सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोइंग पॉवर्टी एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये जो कॉम्बिनेशन था कि पॉवर्टी भी उधर इंक्रीज कर रही थी और पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा था, हैज रिजल्टेड इन हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी, इसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड का मतलब कि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था, बहुत वाइड वे में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ गया था। सो इट इज वेरी ओल्ड एंड स्टिल प्रीवैलेंट प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारी बहुत कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट अकर होती है हमारी कंट्री में, जिसमें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सो कैजुअल लेबरर्स आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल एज दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी, नो असेट्स, नो सरप्लस टू सस्टेन देम। कैजुअल लेबरर्स वही जो डेली वेजेस पे कहीं पे काम करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इससे सफर किए, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, अगर आज काम है तो उनके पास जॉब है, काम नहीं तो कोई भी जॉब नहीं है। नो असेट्स, कोई भी असेट्स नहीं था उनके पास, कोई भी सरप्लस नहीं था कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। सो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, इमोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, माइग्रेशन ऑफ द रूरल पुअर टू अर्बन एरियाज, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू एब्जॉर्ब अनएम्प्लॉयड एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, वही जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर स्किल नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी, इमोबिलिटी नहीं थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इमोबिलिटी मतलब जो भी लेबर्स हैं वो बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उन्हें एक जो होता है ना कि एक फैमिली लव, कि वो अपने घर वालों को छोड़ के कहीं पे बाहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनका अटैचमेंट था। सो ये सारे की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा प्रीवैलेंट हो रहा था। सो मोस्ट मेंबर ऑफ द एससी एंड एससी आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन एमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी एज दे डू नॉट हैव नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल टू डू सो। ठीक है, अब इसको जो थे
इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही थी और दे डोंट हैव इनफ और नेसेसरी नॉलेज टू हैव एनी जॉब. ठीक है, सो इट हैज अ बिकम क्रॉनिक प्रॉब्लम विच कॉजेज अ चैलेंज टू द इकोनॉमी. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि जो इकोनॉमी में चैलेंज हो रही थी अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही पॉवर्टी होती, किसी के पास जॉब नहीं है तो उनके पास इनकम नहीं है, जब इनकम नहीं है तो वो कुछ भी कंजप्शन नहीं कर सकते. तो इट हैज रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट क्या हो गया था, जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही थी तो प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था एंड लो लेवल ऑफ इनकम. इनकम भी क्या थी, बहुत कम थी. लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन था वो भी बहुत कम था, कॉजिंग लोअर लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जिसकी वजह से जो नेशनल इनकम था वो भी कम हो गया था. सो इट इज बिकॉज ऑफ द लोअर लेवल ऑफ नेशनल इनकम डैट अ लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल. ठीक है, ये क्यों था, बिकॉज जो लोअर लेवल ऑफ नेशनल इनकम कम थी एंड दैट अ लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल. और ज्यादा पॉपुलेशन क्या थी, वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के नीचे थी, मतलब वो अपने जो भी उनकी बेसिक नीड्स है, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो नीड्स है, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल ऑल दैट नीड्स. ओके, नेक्स्ट वन इज लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. सो कैपिटल फॉर्मेशन सेम चीज जो इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग करते हैं. सो इन इंडिया इज वेरी लो, क्योंकि कोई भी जॉब नहीं थी, लोगों के पास इनकम नहीं थी, तो कहीं भी वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, कैपिटल फॉर्म नहीं हो सकती थी, विच कॉजेज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो भी बहुत ही कम था. कैपिटल डेफिशिएंसी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ इनकम. जो कैपिटल की डेफिशिएंसी, मतलब कैपिटल जो फंड की लैकनेस थी, वो भी चल रही थी बिकॉज इनकम कम थी, ड्यू टू विच देयर इज लो लेवल ऑफ सेविंग, जिसकी वजह से लो लेवल सेविंग थी, लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो. ठीक है, सेविंग नहीं थी, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था. सो इट हैज रिजल्टेड इन डिक्लाइंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी कम हुआ, इनकम भी कम हुई, सेविंग भी कम हुई, इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ एंड कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हुआ. इट रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड भी कम हुई, प्रोडक्शन कॉजिंग लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. और लो लेवल डिमांड भी लोगों की कम हो रही थी, प्रोडक्शन भी कम हो रहा था, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी और पॉवर्टी भी इंक्रीज कर रही थी. सिंस इंडिपेंडेंस एंड स्टेट डेटनेस, ओके, सो इन दिस दैट इज इवन टूडे एग्रीकल्चर इज अ प्रिंसिपल मीन ऑफ लाइवलीहुड एंड लैंड इज प्राइमरी असेट ऑफ द रूरल पीपल. अगर हम आज तक की भी बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या है, एक प्रिंसिपल मीन्स है लाइवलीहुड का एंड लैंड इज प्राइमरी असेट ऑफ द रूरल पीपल. और जो एक लैंड है वो एक प्राइमरी असेट है रूरल पीपल की. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड डिडंट ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर. अब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का, वो कोई भी एक पॉजिटिव चेंज नहीं लाया इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स की, जिसमें हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म पढ़ा था ना, कि लैंड को जो एक्स्ट्रा थी उसको क्या कर दिया जाता, डिवाइड कर दिया जाता था. तो ऐसा कोई भी चीज़ उस टाइम पॉजिटिव, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखा गया था. ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स फेल टू इम्प्लीमेंट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. और बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ऐसे भी थे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में फेल भी हो गए. ठीक है, मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स में स्टिल वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया गया था. अभी भी पहले की तरह जिसके पास जितनी लैंड थी, दे आर प्रोड्यूसिंग और कल्टिवेटिंग द प्रोडक्ट्स. सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉजेज
in the causes of poverty. Sixth one is, that is lack of infrastructure. Okay, so it is the मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. आपको पता होगा कि मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का, बिकॉज अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड है, मतलब प्रॉपर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई वेयर हाउसिंग नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकता. जब ग्रोथ नहीं हो सकता है तो कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होगी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होगी तो कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी. जॉब नहीं होगी तो इनकम जनरेट नहीं होगी. एंड एट द एंड कोई भी नंबर ऑफ पीपल ऑफ पुअर इंक्रीजिंग डे बाई डे. ओके, सो अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ द इंडियन इकॉनमी इज क्लियर फ्रॉम द बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर विच इज ड्यू टू लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर कंट्री. ठीक है, अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ द इंडियन इकॉनमी इज अ क्लियर फ्रॉम दी. इसमें क्या होते हैं कि बैकवर्डनेस होते हैं. किसका? बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. मतलब किसकी वजह से एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से विच लीड्स टू द लैक ऑफ प्रॉपर सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. मतलब बैकवर्डनेस है किसका? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जहाँ पे कोई भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से लैक ऑफ प्रॉपर विच अल्टीमेटली लीड्स टू द लैक ऑफ प्रॉपर सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. ठीक है, सो पुअर स्टेट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऑल्सो रिजल्टेड इन स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट. अगर प्रॉपर स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, सो देर विल बी नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एज आई टोल्ड, तो इधर पहले बताया था ना मैंने कि यही होगा, कि वही चेन है कि अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होगी, इनकम जनरेट नहीं होगा. इनकम नहीं होगा तो इट लीड्स टू द पॉवर्टी. So, Britishers' ruthless exploitation of the country had left India in such a poor state that India could not yet overcome from the losses and the remains underdeveloped. ठीक है, जो भी एक बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट करके गया था, वो इंडिया को ऐसे पुअर सिचुएशन में लेफ्ट करके गया जिससे नॉट येट ओवरकम, अभी तक हम लोग उस लॉस से अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए, स्टिल अंडर डेवलप्ड रह गए. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे, जैसे बोला जाता है, कंट्री को पूरा एक्सप्लॉइट करके चले गए थे. हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका, मतलब ओवर एक्सट्रैक्शन कर लिए थे नेचुरल रिसोर्सेज का, जिससे क्या था, पूरा इकॉनमी हमारी एक्सप्लॉइट हो गई थी. इतना ज़्यादा पुअर बना के रख दिया था कि अभी भी उन सारे लॉसेस से ओवरकम नहीं हो पाए, और बहुत सारे एरियाज में अंडर डेवलप्ड में अभी भी है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, दैट इज इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम एंड वेल्थ.
पॉइंट नंबर 7। Inequalities of the income and wealth. So, inequalities in the distribution of income and wealth causes poverty to a large extent. ठीक है, अब जो ये बात करते हैं हम लोग, that is inequality थी किसमें, in the distribution of income and wealth, distribution of income and wealth की, जो poverty हमारी country में बहुत large extent पे कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो भी distribution of income था वो equal नहीं था, मतलब रिच पीपल और रिच होते जा रहे हैं और पुअर पीपल मोर पुअरर होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या कंडीशन थी कि ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। सो इट इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन फ्यू हैंड्स दैट द इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये किसकी वजह से था, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो पावर है वो कुछ फ्यू हैंड के ही पास था, दैट द इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे जो इनकम था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा था। एंड बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव बीन एंजॉयड बाय द रिचर क्लासेस एंड द पुअर हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देम। और जो बेनिफिट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो कौन इंजॉय कर रहा था, बस जो भी रिचर क्लासेस हैं वही इंजॉय कर रहे थे, और जो पुअर पीपल थे वो उन सारी चीज़ों से डिप्राइव थे, उन्हें कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। सो नेक्स्ट है इनकम वेल्थ एंड मीन्स टू प्रोड्यूस आर कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड। जो इनकम था, जो वेल्थ था, जो मीन्स टू प्रोड्यूस, जो जिसके थ्रू हम प्रोड्यूस कर रहे थे, रिसोर्सेज आर कंसंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड, वो किसी फ्यू हैंड में ही क्या थे, कंसंट्रेटेड थे। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जो भी मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की, दे आर स्टिल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ही थे। सो दिस इज द इनइक्वालिटीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, मतलब कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो इक्वल नहीं था। नेक्स्ट वन इज दैट इज पॉइंट 8, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, सो जनरल प्राइस लेवल का राइज होने को हम लोग एक टर्म दे सकते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन, विच मीन्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज कंटिन्यूअसली राइजिंग। जो कमोडिटी की प्राइस है वो कंटिन्यूअसली क्या करी है, राइज करी। सो कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस especially of the basic and essential goods had added to the problem of poverty, कि जो भी price है continuously क्या हो रही थी, वो rise कर रही थी, जो भी basically for the basic and the inflation, sorry basic and essential goods के लिए price rises, okay, एंड हेडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ये प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी में ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि अब प्राइस कंटिन्यूसली किसी भी कमोडिटी की राइज होगी तो एवरीबडी इज नॉट एबल टू परचेज दोज कमोडिटीज हुज प्राइसेस कंटिन्यूसली राइजिंग, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इज नॉट एबल, वो इतना एबल नहीं है कि जब अगर प्राइस, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी राइस अगर 10 पर केजी या 20 पर केजी मिल रहा है, अब उसकी प्राइस जस्ट डबल या ट्रिपल हो जा रही है 60 पर केजी या 80 पर केजी या 40 पर केजी, तो हर एक कमोडिटी को हर एक इंडिविजुअल उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो दिस इज आल्सो लीड टू दी पॉवर्टी, ये भी क्या किया, पॉवर्टी को लीड करता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द राइज इन प्राइसेस, लोअर लेवल ऑफ इनकम, अब किसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका है कि प्राइस कंटिन्यूअसली राइज कर रही है और इनकम क्या है, फॉल कर रही, क्योंकि इनकम तो किसी की, कोई भी इनकम है तो कोई भी इंक्रीज हो नहीं रहा है। लोअर लेवल ऑफ इनकम, इनकम क्या है, लोअर है, हैज डिक्रीज द रियल इनकम। अब इससे क्या था, लोगों की रियल इनकम क्या करा था, डिक्रीज करा था, दैट मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, विच लीड्स टू दी
पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई एंड लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो पीपल की क्वालिटी लाइफ की वो भी पुअर हो गई और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट बिकम्स ऑल्सो